अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज हमवतनों, मेरा नाम है साद और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं वन प्लस सिक्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये चीज मुझे बहुत ज्यादा इंकरेज करती है अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। OnePlus एक ऐसी कंपनी है जो कि एक बहुत कम प्राइसेस के अंदर हमें फ्लैगशिप फोन्स प्रोवाइड करती है। अब बहुत कम नहीं, एज कम्पेयर टू आईफोन 10 या S9 या बड़े बड़े स्मार्टफोन्स हैं, उनके कंपैरेटिवली इनकी प्राइस रेंज थोड़ी सी कम होती है और इसके अंदर हमें वो सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि बड़े फ्लैगशिप फोन्स के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह मई 2018 के अंदर OnePlus ने अपना रिलीज कर दिया है अपना फ्लैगशिप OnePlus 6, जिसको देखकर मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक वीडियो बना दी जाए, इसके बारे में बता दिया जाए। सबसे पहले हम इसके स्पेक्स के बारे में बात करेंगे। अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी 19:9 वाली स्क्रीन और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1080p का रेजोल्यूशन। इसका साइज है 6.28 इंचेस का और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक बहुत खूबसूरत सा एमोलेड डिस्प्ले। इसके अंदर आपको एक नॉच भी देखने को मिलेगी जिसके ऊपर हम बात करते हैं अभी थोड़ी देर तक। अगर हम आगे इसकी GPU या CPU के बारे में बात करें तो जो चिपसेट आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा वो है स्नैपड्रैगन का 845, जो इस टाइम टॉप ऑफ द लाइन जा रहा है, एक बड़े फ्लैगशिप फोन्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको साथ साथ क्वाड कोर का प्रोसेसर मिलेगा। यहाँ पे आपको जो GPU देखने को मिल रहा है वो है एड्रीनो 630 और यहाँ पे जो OS मिल रहा है आपको आउट ऑफ द बॉक्स वो है एंड्रॉयड 8.1। इसके कैमरास की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 16 megapixel प्लस 20 megapixel का जो रियर कैमरा है, एक ड्यूल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा। अब OnePlus 5T के अंदर आपको पता है OnePlus 5 से चल रहा है ड्यूल कैमरा का सिस्टम और इसके अंदर भी जो है इनहेंस ड्यूल कैमरा जो है वो दिखाए गए हैं, जिसके अंदर आपको फेस ऑटो फोकस का भी एक जो है ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ में अगर इसके फ्रंट कैमरा की बात करें तो आपको यहाँ पे भी 16 megapixel का f2.0 स्टॉप वाला कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसे आप ले सकते क्लियर सेल्फीज और यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 1080p रेजोल्यूशन वाली वीडियोस। इसके अंदर आपको मेमोरी कार्ड नहीं देखने को मिलेगा, जो मेमोरी ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगी वो 128GB और 256GB जो कि RGB रैम वाले मॉडल के साथ आता है और यहाँ पे 64GB की ऑप्शन भी मौजूद है जो 6GB रैम के साथ आता है। अगर बैटरी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 3300mAh की बैटरी का सपोर्ट देखने को मिलेगा और साथ साथ में इसके अंदर आपको बैक पे ग्लास फिनिश देखने को मिलेगी और साथ साथ इसी जो बिल्ड क्वालिटी है इसको OnePlus 5T से ज़्यादा इन्हेंस किया गया है। अब ये सब बातें तो हो गई इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में, अब इसके ऊपर जो मेरा ख्याल है, मेरी राय है और जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि OnePlus 5T ने कोशिश की है कि अब वो 2018 वाला स्मार्टफोन बनाया जाए। OnePlus 5T ने भी इधर अपने ट्रेंड को फॉलो किया है, यहाँ पे उन्होंने नॉच को इंट्रोड्यूस कराया। हालांकि जब iPhone 10 आया था तब नॉच को बहुत बुरा कहा गया था कि ये डिस्प्ले को ख़राब करता है, बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होता है, मगर हमें यहाँ पे देखने को मिला कि 2018 के अंदर जितने भी स्मार्टफोन्स आए उसके अंदर नॉच थी, चाहे वो हवावे हो, ओप्पो हो, वीवो हो और जो बड़े बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उन सब के अंदर हमें मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले के अंदर नॉच देखने को मिली। अब मुझे ये बात समझ नहीं आती, जब आप सारी कंपनीज मिलके एक चीज़ का इतना मजाक उड़ाते हैं, इतना बोलते हैं, तो फिर आप क्यों उस चीज़ को फॉलो करते हैं? इस फोन में जो वही एक ट्रेंड देखने को मिला है कि यहाँ पे भी हमें एक नॉच मिली है स्क्रीन के अंदर, एक छोटी सी नॉच है, आईफोन 10 जितनी बड़ी नॉच नहीं है मगर इट इज़ देयर। तो ये मुझे जो है थोड़ा सा एक चिन लगती है फ़ोन की और थोड़ा सा मुझे डिस्ट्रैक्टिंग लगता है। यहाँ पे जो है नीचे आपको बेजल तो देखने को मिल जाते हैं मगर ये बेजल इतने बड़े नहीं हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करें, आपको कहें कि भाई ये बड़ा बेजल लेस फ़ोन नहीं है। ये 95% बेजल लेस है और काफ़ी अच्छा इसका डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बैक पे जो है OnePlus 5 ने ग्लास फिनिश दी है, जो ग्लास फिनिश है ग्लास पे जैसे आपको iPhone 10 के बैक पे मिलता है, मगर एक बात यह है कि इसका देने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको एक मैट वाला भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है और ग्लास होने के बावजूद भी यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट आपको नहीं मिलती। खैर अगर इसकी प्राइस पॉइंट की बात की जाए तो ये आपको तकरीबन $600 का देखने को मिलेगा, जो कि $1000-1100 की रेंज जो iPhone 10 S9 की रेंज है उससे काफ़ी कम है और ये $600 जो तकरीबन पाकिस्तान के 65,000 rupees बन जाते हैं, हालांकि पाकिस्तान में इतना आता नहीं है, 70-75 के करीब ये मिलेगा आपको। फिर भी एज़ कम्पेयर टू देखा जाए बड़ी कंपनी सैमसंग से ये प्राइस थोड़ी सी कम है।
इन द एंड मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप ये स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो कि एक बड़े फ्लैगशिप फोन के अंदर मौजूद हैं। बस कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसे फीचर जो है, जो प्रीमियम फीचर्स हैं, वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि कस्टम रोम नहीं मिलेगी, जो वन प्लस की है स्टॉक एंड्रॉइड की फीलिंग मिलेगी, जो कि पर्सनली मुझे बड़ी पसंद है। तो खैर, अगर आप लोग एक बजट के अंदर, जो 70-80,000 के बजट के अंदर एक नया फ्लैगशिप फोन खरीदना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ यूज्ड S9 या iPhone 10, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप वन प्लस 6 खरीद लीजिए वेट करके, क्योंकि ये फोन अभी लॉन्च नहीं किया गया और इस मंथ के एंड तक ये फोन लॉन्च कर दिया जाएगा, तब आप इसको खरीद कर यूज करके देख सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आपने मेरे वीडियो से कुछ नया सीखा होगा, कुछ नया जाना होगा। अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहूं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और नीचे जाके कमेंट कर दें कि आपको मेरी वीडियोस में क्या पसंद आया। अगर नहीं पसंद आया तो फिर भी बता दें, मैं रिप्लाई कर दूंगा। आई होप आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।